अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी पर देसी रेसिपी। आज हम केएफसी स्टाइल चिकन ब्रोस्ट बनाएंगे। केएफसी स्टाइल चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? ये हमारे पास 3 किलो चिकन है, ये दूध है हमारे पास, 3 अदद अंडे, 1/2 कप हमारे पास लेमन जूस है, 2 अदद अदरक थोम का पेस्ट है, 3 अदद अंडे हैं, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच पीसी हुई मर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच पीसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच हमारे पास गरम मसाला है, 1/2 चम्मच काली मिर्च है, ये हमारे पास रोजमेरी है 1/2 चम्मच। आए भी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें बॉल में दूध डालेंगे। अभी इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। दूध में दूध हमने डाल दिया सारा। अभी हम इसमें अदरक थोम का पेस्ट डालेंगे। रोजमेरी डालेंगे। अभी इसमें लेमन जूस डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी हम इसमें अंडे डालेंगे। दो अंडे हो गए। ये 3 अंडे भी हमने डाल दिए। अभी हम इसको फेंटेंगे। हमने खूब फेंट लिया। अभी हम चिकन को कट्स लगाएंगे ऐसे। ऐसे हम चिकन को काट लगा के सारे इस मसाले में डाल देंगे। ऐसे हम कट भी लगा सकते हैं, ऐसे इसको, ऐसे चिकन को भी हम। हमने आधे चिकन को काट लगाए हैं, आधे को। अपनी मर्जी आप काट लगाए या इसको ऐसे कर लें, आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी आप कर लें। अभी हम सारी को ऐसे करके इसमें डालते हैं। हमने ये कर लिया। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिए, दूध में भिगो कर आ दिए। इसको अभी 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। अभी हम चिकन के लिए मसाला बनाएंगे, जिसमें हम पेस्ट करके फ्राई करेंगे। अभी हमारे पास ये 2 कप मैदा है, 1 कप हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, 2 चम्मच हमारे पास ब्रेड क्रम्स है,
दो चम्मच हमारे पास पीसे हुए चावलों का आटा है, आधा चम्मच काली मिर्च है, आधा चम्मच कुटी मिर्च है, ये एक चम्मच बेकिंग पाउडर है हमारे पास, एक चम्मच सुरख मिर्च है पीसी हुई, एक चम्मच मिक्स गरम मसाला है, एक चम्मच धनिया है, एक चम्मच नमक है। आए अभी हम इसको मिक्स करते हैं चिकन के लिए। ये हमने एक कप कॉर्नफ्लावर ले लिया, दो कप मैदा है, अभी दो कप मैदा इसमें हम एक कप कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी में हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, इसी में ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे, इसी में राइस का आटा भी डाल देंगे, ये सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च भी डाल देंगे, इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे हम। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने मिक्स कर लिया। चिकन को हमने 2 घंटे हो गए मसाले लगा के रखा हुआ था, ये इसका हमने मसाला ये भी तैयार कर लिया। अभी हम कढ़ाई में ऑयल डाल के रखते हैं गर्म होने के लिए, फिर इसको फ्राई करते हैं चिकन को। चिकन को अभी हमने मसाला हमने बढ़ा लिए, अभी हम चिकन को फ्राई करने लगे हैं। ठीक है, अभी हम चिकन निकाल के इसमें डालेंगे बोटियाँ। अभी हम चिकन लेंगे। बिस्मिल्लाह। हम इसको ऐसे प्रेस करके ऐसे इसमें रखते जाएंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, जो हमने कट्स लगाए थे उसमें से इतना ही मसाला भरेंगे। इसको ट्रे में रखते जाएंगे। इसको ऐसे एक कोट कर लें इसको मसाले का, फिर आपको अगला स्टेप बताते हैं अगले स्टेप में क्या करना है। ये चिकन को हमने एक कोट कर लिए, अभी हम इसको उठा के वाले मसाले में दोबारा डिप करेंगे। इसमें डिप करके फिर इस मसाले में रखेंगे। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, अभी हमने डबल कोट करके ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरमियानी आंच पे पकाएंगे। इनको हमने सिंगल कोट किया हुआ, वो फिर इसमें डिप करेंगे मसाले में, मसाले से डिप करके फिर इस मसाले में डिप करेंगे ड्राई मसाले में। बिस्मिल्लाह।
इनको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज आंच पे नहीं फ्राई करना, हल्की आंच पे पकाएंगे ना तो अंदर तक ये पक जाएंगे। ये हमारा चिकन को हमने सिंगल कोट कर लिया, अभी इसको हम मसाले में डिप करके फिर ड्राई मसाला लगाएंगे, खुश्क मसाले में डिप करके फिर फ्राई करेंगे। ऐसे हमने मसाला एक दफ़ा लगा लिया, अभी इसको हम मसाले में डिप करेंगे, फिर इस वाले मसाले में। पकाना हमने हल्की आंच पे है, डबल कोट करना है इनको। हल्की आंच पे पकाएंगे, अंदर तक पक जाएंगे। इसको ऐसे प्रेस करके, ऐसे करके कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये भी हमारा तैयार हो गया। इसी तरह हमने सारी बनानी है ऐसे। ये एक कोट का ऐसे हम मसाला लगाएंगे, यही तरीका है। एक दफ़ा आप कोट करके रख लो, दूसरी दफ़ा आप कोट करके फ्राई करते जाओ। ये भी हमारा चिकन तैयार है। ये हमारा चिकन ब्रोस्ट तैयार है, KFC स्टाइल चिकन ब्रोस्ट हमारा तैयार है। आप भी बनाएं, खाएं, हमें दुआओं में याद रखें। ये देखें गल चुका है बिल्कुल। आप भी बनाएं, खाएं, हमें दुआओं में याद रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।
बार मिलती है।